मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि लगातार हम लोग चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत जो हमें और आपको करना है वो लगातार हम लोग उस चीज को अपना रहे हैं। मैं सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले श्री भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, हमारे गठबंधन के साथ आए हैं, गठबंधन के साथ हमारे आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ वीरांगना उदा देवी पासी गौरव मंच के बड़ी संख्या में लोग आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी, समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा, इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जुड़ा ना गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की, उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवास से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। उसी समय जिलाधिकारी ने उन परिवारों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। इसी तरह कुशीनगर के जिलाधिकारी थे, जब उनको यह सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां बजट थोड़ा कम है, अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसर जाति के और तमाम ऐसे परिवार हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उसी समय फैसला लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का देवगढ़ वहां गया, वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था, उन्हें पता कि मैं वहां से गुजर रहा हूं तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे, जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी, जो वो फूल लेकर के आए थे वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा कि वो पॉलिथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोही आवास दे दिया जाए। और मुझे खुशी इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोही आवास से बन चुका है,
सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। इसी तरह लखनऊ मोहल्ला लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रम में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे, और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें पुरानी पढ़ें तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेस वे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोही आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा, साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब जिनकी जातियों के नाम पर ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पर ही बहुत गरीब है, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जुड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एक बार फिर मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और दोबारा कहता हूं कि समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 6000 साल नहीं मिलेगा, इस बार 18000 रुपए साल मिलेगा। सबसे ज्यादा अकाउंट अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में खुलवाए थे तो समाजवादी सरकार ने। साथ ही साथ सबसे ज्यादा ब्रांचेस बैंकों की अगर किसी ने खुलवाई थी तो समाजवादी सरकार में। और सबसे पहले सबसे ज्यादा डीबीटी सिस्टम से अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ है। लेकिन झूठों से कैसे मुकाबला करें, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखे, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं।
तो ये आपको याद होगा, दो दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था यह। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए, आप गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उसे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी में गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अभी टच वाली बात चल रही है कौन किसके टच में है। ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो, राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, ठीक ठीक बात है जो आप कह रहे हो, मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए बात। नहीं नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से लेती रही, बुक्कल नवाब को ले लिया, बुक्कल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए बच नहीं गए, पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए, उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको, तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैन्य स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैन्य स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिला होगा, मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे, वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं, और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य यह है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई, और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे, जब मैं स्कूल में गया, स्कूल में जब मैं गया तो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ट ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र के थे, कन्नौज के रहने वाले थे, एडीसी टू प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने सॉर्ट ऑफ ऑनर मिला, उन्होंने आरडीसी की परेड को लीड किया, और एडीसी रहे राष्ट्रपति के, आज अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कन्नौज के थे। मैं तमाम एग्जाम्पल बता सकता हूं। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दे हमें, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में। फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो।
अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप तय करो कि राष्ट्रवाद का रूप क्या हो, जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया हो, एक्सप्रेसवे बना करके एयरफोर्स के साथ टाई अप किया हो, और उस टाई अप के तहत आपके मिराज सुकोई हवाई जहाज उतरे हो एक्सप्रेसवे पे। बताओ उत्तर प्रदेश के आप पत्रकार हो, सबसे पहले डिजाइंड अगर हाईवे किसी ने किया जिसमें मिराज और सुकोई उतरे हो और हरकुलस उतरे हो, तो वो समाजवादी सरकार के थे। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरेंडर डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइंड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहां नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो किसान आंदोलन में रहे लगातार, किसान आंदोलन में रहे लगातार। अच्छा ठीक, बुलवा देते हैं, आप बोले ले दे दीजिए, एक बार उन्हें बोल दो ना, तब तो और मन बना लो। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, अभी विकेट और गिरा सकते हैं हम। नहीं बैठी बैठे आप, अगर भानु प्रताप जी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। देखिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है, हमें कोई सीट नहीं चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है, क्योंकि लड़ाई देश को बचाने की है, देश बहुत संकट में है, और अगर इस समय बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो देश में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम समाजवादी पार्टी और विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनको इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे चुनाव में लगातार प्रचार करेंगे ताकि बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी किया जा सके। तो हर किसी को यह स्पष्ट होना चाहिए, हमारे विषय में आप जानते हैं किसान आंदोलन में हम रहे हैं, सीएनआरसी के आंदोलन में लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। बाकी माननीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी गठबंधन के रूप में हमें देंगे उसका पूरी ताकत से निर्वाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय राम जी भी बोल दें आप, क्योंकि उन्होंने हमारे पत्रकार साथी ने याद दिला दी सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने दो शब्द कहने का मौका दिया। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, डॉक्टर लोहिया जी को नमन करते हुए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है,
दलित विरोधी काम कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है, जो बाबा साहब के बदौलत हमको आरक्षण और संविधान मिला था उसको खत्म कर रही है। इसलिए मैं सरकार को छोड़ करके और भाजपा को छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं अपने संत शिरोमणि रविदास महासभा की तरफ से, दलित समाज की तरफ से, कि आपकी सरकार बनेगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा और बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये योजना 100% महिलाओं के लिए है, माताओं के लिए है। आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो सीधे सीधे महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और बेटियों से जुड़ी हुई योजना होंगी। तो बेटी, बहन और माँ के लिए योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आएगी मैनिफेस्टो के तहत। और बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि सबसे अच्छी स्कीम 1090 अगर किसी ने शुरू की थी तो वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उसको आज खत्म कर दिया गया है, बजट नहीं दिया जा रहा है, चौपट कर दिया गया है। वो ऐसी योजना थी जो हमारी बहनों और माताओं की मदद करती थी। अरे भाई, मैंने हमारे पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। वो बात समझ लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी जी के हारने से भी किसी को तकलीफ होगी, हार जीतने से भी तकलीफ होगी। अध्यक्ष जी, भानु प्रताप सिंह जी को हम लोगों ने एनआरसी और किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका में देखा, आपके लाखों फॉलोअर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, 22 में कौन सी जिम्मेदारी आप इनको दे रहे हैं? 22 में वर्चुअल रैली पहले, और जगह जगह किसानों के सवाल पर, और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके 12 से 17 के बीच में जो आपका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर सोशल साइटों पर प्रचार के माध्यम से और अपने कार्यकाल को लेकर एक नकारात्मक चीजें लगातार जो है वो जनता को दे रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा और आप इस बात की जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा घटिया अगर प्रचार और झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं, पुलिस को भी शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं कह रही थी, कई छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सवाल ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले ही कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहां, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहां पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गई। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन्स चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो, तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्टर हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी? दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहां, इनके संगठन के लोगों के यहां, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहां पहले से ही चीजों का
बनना इसका मतलब यह था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे, आप मुझे बताइए पत्रकार आजादी जिससे कनेक्ट करना हो, यूपी में कहीं भी इंटरनेशनली, इस कमरे में बैठ करके हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम तो इक्विप्ड पहले से हैं इस चीज के लिए, लेकिन जो और क्षेत्रीय दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो कैसे इक्विप्ड होंगे? उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, अखबार में तो भूल जाइए स्पेस, टीवी पे तो कहीं एक सेकंड भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो भेदभाव हो रहा है लोकतंत्र में, अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए चुनाव आयोग देखे, इसलिए मैंने इस बात को कहा था। ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है, और कई प्रदेशों में हम लोगों ने देखा कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें अलग अलग हैं और अगर शिकायत की गई तो सब अधिकारी हटा दिए गए। क्या बंगाल का चुनाव नहीं देखा हम लोगों ने? किसी भी अधिकारी की शिकायत हुई नहीं हुई उसको हटा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता बताइए? जो भारतीय जनता पार्टी से मिले रहे अधिकारी रहे, वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किए, जिन्होंने बहनों की बेटियों के कपड़े फाड़े, छीनी साड़ियां, जरा कितना अन्याय हुआ। अरे इसकी आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? ये तो गठबंधन है, किसी जगह टिकट मिलेगी, किसी जगह टिकट नहीं मिलेगी किसी को। और गठबंधन में यही होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो चीफ है तो चीफ करेंगे, जो चीफ है वो चीफ करेगा। अगर कीचड़ फेंकोगे तो हाथ तो चले जाएंगे ना कहीं। नहीं, भीतरघात आज के जमाने में क्या है, जो जिसको फॉर्म मिलता वो फेसबुक पे डाल देता है एक सेकंड में। आप अगर चाहते हो तो हम जारी कर देंगे। हाँ, बहुत जारी कर देंगे। ठीक है, हम पत्रकार साथियों का ये सुझाव मानते हैं, समय समय पे हमें सुझाव मिलते हैं, उनको अपनाते हैं, लेकिन कम से कम हमसे आप बातचीत भी करते हो। दूसरी पेंट काउंसिल में भी कोशिश किया करो ना बातचीत करने का, अपने साथियों से कहा करो कि भाई बातचीत तो करो कुछ। तो ये आपका सुझाव ठीक है कि सूची जारी हो तो सूची जारी होगी, बिल्कुल सूची जारी होगी, पूरी जारी होगी। क्या मिली मुझे खुद नहीं पता। मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार रैलियां कर रहे थे, उनकी चोरी न पकड़ी जाए, उनकी शिकायत न की जाए, इस लालच में समाजवादी पार्टी नहीं फंसने वाली। बीजेपी की शिकायतें देखी कितनी हुई, कैसे कर रहे हैं सब कार्यक्रम। मुझे याद है इन्वेस्टर मीट हुए तो गमले चोरी हुए थे, गमले कोई चोरी कर लेगा? और जो एमओयू हुए हैं, यही तो दुख है इस बात का। दुख यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बताना चाहती। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस जिले में और किस प्रोडक्ट के लिए कितना बजट दिया ये नहीं बताना चाहती। जब एमओयू हुए सोलर एनर्जी के तो उसमें आपने बजट कितना रखा ये नहीं बताया। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू साइन हुए, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी के साथ इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वो जमीन पर क्या उतरा है? कारखाने कहां लगे, उद्योग कहां लगे, क्या हवा हवाई रहे? और फिर ये आदत कहां से लाए चोरी करने की? जो इनके विकास के विज्ञापन थे वो सब चोरी की तस्वीरें, कारखाना अमेरिका का, फ्लाईओवर बंगाल का, आपका एयरपोर्ट चीन का। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है, ये झूठ के फूल हैं। नहीं, अब उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूं। अब चुनाव शुरू हो गया।
देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बात कहे एक बात मान के चलना झूठ बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही तय किया कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी, और जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलेगा, वो घबरा गए। उन्होंने बताइए बिजली का बिल आधा करने का फैसला लिया कि नहीं लिया? तो ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि 4.5 साल आपने जनता से डबल बिल क्यों लिया, महंगा बिल क्यों लिया? क्या जनता को वो पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैसला लिया है कि आधा बिल हो जाएगा, तो क्या 4.5 साल लिए गए पैसे को वापस करेगी भारतीय जनता पार्टी? और जितने भी बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, वो 4.5 साल में क्यों पूरे नहीं हुए? मैं बहुत बहुत प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं।